थ्री टू वन शुरू। प्रस्तुत मामले में विचारणार्थ प्रथम प्रश्न यह उद्भूत होता है कि क्या संहिता की धारा 50 के उचित अर्थान्वयन पर उस व्यक्ति को उस अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है पूर्ण विशिष्टियां या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार लिखित में संसूचित किया जाना अपेक्षित है अथवा उसकी मौखिक संसूचना पर्याप्त है। विराम पैरा। विचारणार्थ दूसरा प्रश्न यह उद्भूत होता है कि यदि संहिता की धारा 50 के अधीन मौखिक संसूचना पर्याप्त है तो क्या अपराध की पूर्ण विशिष्टियों कि ऐसी संसूचना प्रस्तुत मामले में दी गई है। विराम पैरा। धारा 50 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में नई धारा के रूप में अंतःस्थापित की गई है। विराम। धारा में यह उपबंधित है कि किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है पूर्ण विशिष्टियां या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा। विराम। तुरंत शब्दाभिव्यक्ति और अपराध की पूर्ण विशिष्टियां शब्दाभिव्यक्तियों पर विनिर्दिष्ट रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। विराम। किसी मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना एक गंभीर बात है और यह शक्ति उपदर्शित करती है कि किसी मजिस्ट्रेट या न्यायिक अधिकारी द्वारा मामले की जांच किए जाने से पूर्व पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती की जा सकती है। विराम। इस प्रकार ऐसे प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति पर भारी उत्तरदायित्व डाला गया है जो वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। विराम पैरा। कोई भी व्यक्ति न्यायालय द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट के निष्पादन में गिरफ्तार किया जा सकता है और संहिता की धारा 70 विदिन ब्रैकेट 1 के अधीन गिरफ्तारी या वारंट लिखित में और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। विराम पैरा। संहिता की धारा 75 में यह उपबंध किया गया है कि गिरफ्तारी किए जाने से पूर्व पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट या सॉरी का निष्पादन कर रहा है उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उसका सार सूचित करेगा और गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो वह वारंट उस व्यक्ति को दिखा देगा। विराम पैरा। ऐसे मामले में जहां किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा जारी किए गए वारंट के निष्पादन में गिरफ्तार करना है वहां वारंट के निष्पादन करने वाले अधिकारी को वास्तविक रूप से गिरफ्तार किए जाने से पूर्व गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को वारंट का सार संसूचित कर देना चाहिए और यदि गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति द्वारा अपेक्षा की जाती
है तो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को वह वारंट भी दिखाया जाना चाहिए। इस प्रकार गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के वारंट का सार संसूचित किया जाना चाहिए और यह संसूचना निस्संदेह मौखिक संसूचना है। विराम। गिरफ्तारी का वारंट संहिता के अधीन न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है और गिरफ्तारी को वारंट का प्ररूप विहित है तथा संहिता के अधीन न्यायालय द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित में होना चाहिए और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। विराम। संहिता की द्वितीय अनुसूची में प्ररूप संख्या दो गिरफ्तारी के वारंट का प्ररूप विहित करता है। विराम। प्ररूप को देखने से यह प्रतीत होता है कि उसमें अन्य ब्यूरों के साथ उस अपराध का भी उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके लिए अभियुक्त को आरोपित किया गया है और जिसके लिए उसकी गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी किया गया है। विराम। इस प्रकार वारंट के निष्पादन में व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने से पूर्व न केवल उसे मौखिक रूप से वारंट का सार ही संसूचित किया जाना चाहिए किंतु यदि वह अपेक्षा करे तो उसे वह वारंट भी दिखाया जाना चाहिए जिससे वह अपने उस अपराध की विशिष्टियां मालूम करेगा जिससे कि वह आरोपित किया गया है। गिरफ्तारी का वारंट जारी किए जाने से पूर्व न्यायिक प्राधिकारी को ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उन अभिकथनों की परीक्षा करने का अवसर मिलता है जिनके लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाना है किंतु जब कोई व्यक्ति वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है तब पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी कार्यपालक प्राधिकार के प्रयोग में की जाती है और इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध किए गए अभिकथनों को गिरफ्तारी से पूर्व किसी न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष विचारार्थ पेश नहीं किया जाता है। विराम। पैरा। किसी व्यक्ति की दैहिक स्वाधीनता की प्रत्याभूति भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में की गई है। विराम। अनुच्छेद 21 में यह अधिकथित है कि किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य प्रकार से वंचित न किया जाएगा। विराम। किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा दैहिक स्वाधीनता से वंचित किए जाने के पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का कड़ाई से अवश्य ही अनुपालन किया जाना चाहिए और प्रभावित व्यक्ति को हानि नहीं होने दी जानी चाहिए। विराम। किसी व्यक्ति की दैहिक स्वाधीनता विधि के अनुसार निर्बंधित की जा सकती है। विराम। इसके पश्चात भी ऐसे मामले में इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 22 में शर्त रखी गई है। विराम। अनुच्छेद 22 विदिन ब्रैकेट 1 में यह अधिक कथित है कि कोई व्यक्ति जो बंदी किया गया है ऐसे बंदीकरण के कारणों से यथाशक्य शीघ्र
अवगत कराए बिना हवालात में निरुद्ध नहीं किया जाएगा और न अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा। स्टॉप।